अगर आप भी अपनी कार की डिलीवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अब तक आपको कोई डेट नहीं मिली है तो घबराइए मत। आप उन 7 लाख ग्राहकों में शामिल हैं जिनके लिए अपनी खरीदी हुई कार के दीदार के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या हो गया कि कंपनियां वक्त पर कार की डिलीवरी नहीं कर पा रही हैं? किस कार कंपनी के कितने ग्राहक इंतजार कर रहे हैं? नोदिस के आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। आप बस बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले इसके पीछे के कारण को जानते हैं, किस वजह से हो रही डिलीवरी में देरी। सेमीकंडक्टर चिप की किल्लत की वजह से कार कंपनियां वक्त पर नई कार की डिलीवरी नहीं कर पा रही है। एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने से कारों की मांग में अचानक से उछाल आ गया और नए मॉडल्स की धड़ाधड़ लॉन्चिंग हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर देश में सेमीकंडक्टर्स की कमी है। ऐसे में कार की डिलीवरी के लिए वेटिंग पीरियड लंबा होता चला जा रहा है और डिलीवरी का इंतजार कर रहे ग्राहकों की कतारें भी। ये इंतजार कई महीनों का है और किसी किसी केस में तो ये साल तक भी पहुंच रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सेमीकंडक्टर चिप है क्या जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए ही नहीं बल्कि सरकार के लिए भी बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। मौजूदा वक्त में बन रही लगभग सभी गाड़ियां चिप या सेमीकंडक्टर की मदद से ही सड़कों पर चल रही हैं। एक गाड़ी में आपको जितने फंक्शंस मिलते हैं या उसके जितने पार्ट्स होते हैं वो सभी इन चिप की बदौलत ही कंट्रोल किए जाते हैं। सेमीकंडक्टर की अहमियत को इस बात से भी समझा जा सकता है कि अगर आपकी गाड़ी में ये ना हो तो आपको किसी भी तरह के आधुनिक फीचर्स नहीं मिल पाएंगे। पहले की गाड़ियों में चिप का इस्तेमाल लगभग न के बराबर होता था, जिसकी वजह से ही पहले की गाड़ियों में कोई खास फीचर्स या फंक्शन नहीं हुआ करते थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस कार कंपनी के कितने ग्राहक अपनी खरीदी हुई कार का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले मारुति की बात करें तो इसके 2.5 लाख से ज्यादा ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। वहीं ह्यूंडई के ऐसे 1 लाख से ज्यादा ग्राहक हैं जिन्हें उनकी बुक की हुई कार की डिलीवरी नहीं हुई है। वहीं टाटा मोटर्स और महिंद्रा दोनों के ही 1 लाख से ज्यादा ग्राहकों का वेट खत्म नहीं हो रहा। किया मोटर्स के 75,000 से ज्यादा, एमजी मोटर्स के 46,000 से ज्यादा, फॉक्स वैगन, स्कोडा, टोयोटा, निसान, रेनो, ऑडी सभी को मिलाकर 75,000 से ज्यादा ग्राहक और मर्सिडीज इंडिया के 2800 से ज्यादा कस्टमर अभी कतार में खड़े हैं। कुछ गाड़ियों के लिए 1 साल का वेटिंग पीरियड। कई महीनों में चल रहा वेटिंग पीरियड कुछ कारों के लिए तो 1 साल भी है। जिन टॉप मॉडल्स के लिए वेटिंग पीरियड काफी लंबा है उनमें महिंद्रा XUV 700 SUV, मारुति के CNG वेरिएंट, ह्यूंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, MG एस्टर, टाटा पंच, मर्सिडीज GLS और ऑडी ए-ट्रॉन इलेक्ट्रिक जैसी SUV शामिल है। कब मिलेगी आपको कार की चाबी? इंटरनेशनल मार्केट में सेमीकंडक्टर की कमी की समस्या जल्द ठीक होती नजर नहीं आ रही और कंपनियों का कहना है कि स्थिति को सामान्य होने में अभी वक्त लगेगा। ये समस्या कम से कम 2022 के पहले 6 महीनों तक बनी रहेगी। इलेक्ट्रिक कारों के लिए वेटिंग पीरियड सबसे ज्यादा है क्योंकि इनमें कई चिप की जरूरत होती है। हालांकि कंपनियां कारों का इंतजार कर रहे ग्राहकों की लंबी कतार को कम करने के लिए उत्पादन बढ़ाने और चिप की आपूर्ति पूरी करने की कोशिश कर रही हैं। इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल नोदिस।